हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स डेस्क। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है भारत में प्राथमिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो यह है पेपर का नाम, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें फिर भी आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पे ये जो ब्लैंक आप देख रहे हैं स्पेस, यहाँ पे आपको डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन और उसके साथ यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होगा। ओके, तो सीधे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर्स के अगले पृष्ठ में, जहाँ देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो ये रहे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिसे पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये है इसका नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का होता है और इसमें टोटल मार्क्स 70 होते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3। पार्ट 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं पार्ट 1 में, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। इस प्रकार 10 × 2 = 20 मार्क्स का ये पार्ट होता है। पार्ट 2 में आपको 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और पार्ट 3 में आपको 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है। ठीक है, तो अब सीधे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पृष्ठ की तरफ। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं, आप देख सकते हैं ये है पार्ट 1, और यहाँ पे 10 प्रश्न आपको पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। इस प्रकार 10 × 2 = 20 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। और यहाँ पे ये पहला प्रश्न, वीडियो को पॉज करके आप सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। यदि मैं सारे प्रश्नों को पढ़ता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप तथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था पहला प्रश्न, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। फिर ये रहा आप तीसरा प्रश्न, मैं जूम करके आपको सारे प्रश्न अच्छे से दिखा रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से देख पाए, और वीडियो सही ना दिखे तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा। YouTube के ऊपर कॉर्नर में आप जाकर 3 डॉट्स आपको मिलेंगे, वहां से आप जाके वीडियो की क्वालिटी को बदल सकते हैं। ये है चौथा प्रश्न, ये 5वां प्रश्न, फिर ये 6ठा प्रश्न, ये है 7वां प्रश्न, ये 8वां प्रश्न है। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं। ये है 9वां प्रश्न, और ये है पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न, जो है 10वां प्रश्न। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये हम लोग अब पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये सॉरी पार्ट 2, यहाँ पे आपको 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है। इस प्रकार 6 × 5 = 30 मार्क्स का ये पार्ट होता है। इसका पहला प्रश्न आप देखेंगे, ये रहा जो कहता है 11 प्रश्न संख्या 11, जो कहता है स्वतंत्र भारत की शिक्षा के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करने में सार्जेट रिपोर्ट के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये 11वां प्रश्न है। ये फिर रहा 12वां प्रश्न, जो कहता है
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अध्यापकों की नई भूमिका तथा नए उत्तरदायित्व की कल्पना की गई है। इस कथन के संदर्भ में NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए दिए गए सुझावों को उजागर कीजिए। तो ये है 12वां प्रश्न। और 13वां प्रश्न कहता है, यह 13वां प्रश्न जो कहता है कि केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करें। यह है 13वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, जो कहता है कि अनुसूचित जातियों के बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने के लिए कोई 5 उपाय सुझाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 15वां प्रश्न, जो कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पाठ्यचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा के समापन संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। यह है हमारा 15वां प्रश्न। और 16वां प्रश्न कहता है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के लिए कौन से 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। अब हम पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं। पार्ट 3 का पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 21 जो कहता है कि समावेशी शिक्षा की किन्हीं 4 विशेषताओं को उजागर कीजिए। हमारे विद्यालयों में समावेशी शिक्षा एक मानदंड क्यों नहीं थी? आपके राज्य में समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए अपनाई जाने वाली व्यूह रचना दर्शाइए। तो यह है प्रश्न संख्या 21। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं, जो कहता है कि ऊपर दी गई आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा वृत्तों में दी गई अवधारणाओं का अर्थ तथा उसमें पारस्परिक संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इन फिगर्स को देखकर इनकी सहायता से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 23, जो कहता है कि आपके राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। और इसका अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 24 कहता है कि प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक के रूप में आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा सर्व शिक्षा अभियान के सुमेलीकरण हेतु कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये है हमारा अंतिम प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं DLED के बाकी बचे प्रश्नों को भी जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।